स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का वीडियो सभी रेल यात्रियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी रेल यात्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा जरूर देखें। फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही छोटा रहने वाला है बट बाकी काफी यूजफुल रहेगा। आज दोस्तों हम कुछ स्पेशल ट्रेन की लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस चैनल पर 80% जो वीडियो अपलोड होते हैं वो स्पेशल ट्रेन से रिलेटेड ही रहते हैं। 0:60:25 संतरागंछी से चल के ताबरम के बीच में सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन जो चल रही थी, रेलवे ने उसकी ट्रिप बढ़ा दी गई है, मतलब बढ़ाई है। ये दोस्तों हर गुरुवार को रन करती है। अब दोस्तों बुकिंग के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट या फिर रेल ग्राइंड एप्लीकेशन या भी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हैं। 0:60:79 ताबरम से चल के संतरागछी के बीच में स्पेशल ट्रेन जो कि बुधवार को रन करेगी, इसकी ट्रिप भी दोस्तों बढ़ा दी गई है। बाकी दोस्तों कौन कौन से स्टेशन पे रुकेगी और कितने बजे कौन से स्टेशन पे पहुंचेगी और कितनी सीटें खाली हैं, इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट और कौन कौन से स्टेशन पे रुकेगी दोस्तों, उसके लिए आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन पे अगर आप ट्रेन नंबर डालेंगे तो पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। 0:60:88 ब्रह्मपुर से चल के एर्नाकुलम जंक्शन के बीच में अनयूजर ट्रेन का ऐलान किया गया है जो कि सोमवार को रन करेगी। और दोस्तों इसका ट्रैवल टाइम 33 घंटे का रहने वाला है और 12:40 पे ब्रह्मपुर से छूटेगी और उसके दोस्तों 21:40 पे एर्नाकुलम जंक्शन में पहुंच जाएगी। उसके बाद 0:60:87 एर्नाकुलम जंक्शन से चल के ब्रह्मपुर के बीच में अनयूजर ट्रेन का ऐलान किया गया है जो कि फ्रेंड शनिवार को चलेगी। जी हाँ फ्रेंड, आप एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये ट्रेन शनिवार को रन करेगी। टोटल 30 घंटे की जर्नी रहने वाली है। एर्नाकुलम से दोस्तों ये रात को 11 बजे छूटेगी और दोस्तों ब्रह्मपुर ये 5 बजे पहुंच जाएगी। 22:407 अंबिकापुर से चल के हजरत निजामुद्दीन के बीच में स्पेशल ट्रेन है जो कि गुरुवार को रन करेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंबिकापुर से दोस्तों ये सुबह 7:20 पे डिपार्चर करेगी और दोस्तों पहुंचने का टाइम 4:25 का रहने वाला है। इसके अंदर स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी सभी प्रकार के क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। 18:421 पुरी से चल के सोनेपुर के बीच में एक्सप्रेस ट्रेन का ऐलान किया गया है। ये फ्रेंड स्पेशल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस गाड़ी संख्या के आगे 0 नहीं लगाया गया है। और 22:407 वाले ट्रेनें भी स्पेशल नहीं है और ये जो ट्रेन है दोस्तों गुरुवार को चलेगी पुरी से 19:07:35 पे और सोनेपुर दोस्तों 5:30 पे पहुंच जाएगी। टोटल 10 घंटे की जर्नी रहने वाली है। 0:42:30 प्रयाग से चल के अयोध्या कैंट के बीच में मेला अनयूजर ट्रेन का ऐलान किया गया है। अनयूजर मतलब दोस्तों पूरी तरह से चालू ट्रेन जिसके अंदर स्लीपर, थर्ड एसी, सेकेंड एसी किसी प्रकार का ना रहे, जिसके अंदर पूरी तरह से चालू रहेगा उसको हम अनयूजर बोलते हैं। तुरंत टिकट लेके आप इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। ये दोस्तों हर फ्राइडे को चलेगी। और अगर हम बात करें प्रयागराज से, प्रयाग जंक्शन से दोस्तों, प्रयाग जंक्शन से जाएगी, प्रयागराज से नहीं, ध्यान दीजिएगा, रात के 9:45 पे छूटेगी और अयोध्या कैंट दोस्तों ये 4 बजे पहुंच जाएगी। 0:42:35 जौनपुर से चल के प्रयाग मेला स्पेशल अनयूजर ट्रेन का ऐलान किया गया जो कि गुरुवार को रन करेगी। जौनपुर से दोस्तों 3 बजे छूटेगी और प्रयाग दोस्तों 7:45 पे पहुंच जाएगी। उसके बाद 0:40:10 दिल्ली से चल के राजकोट के बीच में स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया गया जो कि गुरुवार को रन करेगी। टोटल 19 घंटे की ट्रिप रहने वाली है। ओल्ड दिल्ली जंक्शन से दोस्तों 9:45 पे डिपार्चर करेगी रात के 9:45 पे और राजकोट दोस्तों 17 मतलब शाम को 5 बजे पहुंच जाएगी। उसके बाद 04:009 राजकोट दिल्ली ये मंगलवार को रन करेगी। 19 घंटे का सफर रहने वाला है। राजकोट से दोस्तों रात के 10:30 बजे 10:45 पे डिपार्चर होगी और दिल्ली दोस्तों 18 बजे मतलब कि 6 बजे पहुंचेगी। तो फिर आज की इस वीडियो में एक छोटी सी अपडेट, आशा करता हूँ वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सूरत बॉय कृष्णा सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।